आज बच्चों हम लोग पाठ 9.9 दशमलव मींस डेसिमल आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। आप ये आप गोल गोल केक होता है तो एक गोल केक मान लीजिए, क्या है केक है, इसको हमने 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। आप इस तरह लाइन खींच के 10 बराबर हिस्सों में से बांट सकते हैं। केक को काटा जाता है बड़े में, yes, ma'am. तो वैसे ही इसको, इस बड़े से गोले को 10 बराबर हिस्से में हमने विभाजित कर दिया है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हिस्से। तो ये हमारा चैप्टर इससे आधारित इसी हमने ये बनाया है। कुल 10 बराबर हिस्से, ये सब बराबर है इससे, तो जब भी आप अपनी कॉपी में बनाना तो बराबर होंगे ये ध्यान रखना। तो कुल 10 बराबर हिस्से है यहाँ पे। अब आप देखिए ये एक हिस्सा, हमने ये एक हिस्सा, ये आप ऐसे मान लीजिए, तो ये एक हिस्सा ले लिया है, ये तो एक हिस्सा, इस 10 हिस्से में से जो सब बराबर है उसमें से एक हिस्सा उठा के हमने यहाँ रखा है, यही लिखा है एक हिस्सा। अब देखिए इसमें किसे कहा जाएगा 1/10, क्या कहा जाएगा 1/10, इंग्लिश में क्या बोलेंगे 1/10, और ये बाय और 10, 1/10। ये भिन्न के रूप में लिखा है, तो भिन्न में तुम्हें पता है जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं भाग। तो ये हमने 1 को शो किया है अंश और 10 को शो किया है भाग। तो ये भिन्न के रूप में 1/10 जो है वो भिन्न के रूप में इसी हमने लिखा है भिन्न। एक दसवां को भिन्न में 1/10 लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं एक दसवां भाग, एक दसवां भाग, 1/10 पार्ट ऑफ द होल, 1/10 पार्ट ऑफ द होल। कोई पूरी चीज है उसका 1/10 हिस्सा, एक दसवें को भिन्न में 1/10 लिखते हैं, और दशमलव संख्या के रूप में अगर 1/10 जो भिन्न के रूप में लिखा है इसे दशमलव के रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे 0.1, क्या लिखेंगे 0 या 0.1, हिंदी में बोलेंगे 0.1, ऐसे पढ़ा जाएगा 0.1, इंग्लिश में बोला जाएगा 0.1। अब इसे मान लीजिए आपका, तो इसे पढ़ा जाएगा 0.25, क्या पढ़ा जाएगा 0.25, 0.25, 0.25, अलग अलग पढ़ा जाता है। टुडे वी विल नो अबाउट द डेसिमल्स, फॉर रिगार्डिंग द डेसिमल वी हैव वन फिगर हियर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ केक व्हाट वी ईट इन द बर्थडे। So this cake is divided into 10 equal parts and we have taken the one part and that one part is 1/10 of the complete cake. So 1/10 is in the form of fractions. So this is, 1 is the numerator and 10 is the denominator. Now when we write 1/10 in the form of decimal, we write as 0.1. So this was a topic for today.